हेलो, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं न्यूज प्लस वन की खास रिपोर्ट। जैसा कि आप जानते हैं, यूपी चुनाव जल्दी होने वाले हैं। सभी पार्टी के नेता अपनी बात आम जनता तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसी ही कोशिश इन्होंने भी की है, जिससे कि आप तक सही बात पहुंचा सके। विधानसभा 56 से बसपा प्रत्याशी पंडित के शुक्ला जी बागू में आयोजित जनसभा में शामिल हुए, जहाँ पर उन्होंने अपने लिए वोट की अपील करते हुए कहा कि क्षेत्र का भाजपा विधायक ने बहुत शोषण किया है। अरे भाई, वह व्यापारी आदमी है, उन्हें केवल अपने मुनाफे से मतलब है। जनता के कष्ट से उन्हें कोई सरोकार नहीं है। यह लोग राजनीति में केवल जनता को लूटने के लिए आते हैं और वह इस काम को बाखूबी कर रहे हैं। इसका परिणाम इस क्षेत्र की हालत को देखकर मिलता है। इन लोगों ने 5 साल खूब सत्ता की मलाई खाई है, खूब जमीनों पर कब्जा किया है, उनके प्रतिनिधियों ने जनता का खूब शोषण किया है। अरे भाई, अब किस मुंह से जनता के बीच जाकर वोट मांग रहे हो? जहां भी जा रहे हो, लोग वहां से भगा देते हैं। हालत तो यह हो गई है कि यहां लोग अब अपने लोगों को पैसा देकर खुद अपने को ही आमंत्रित कराते हैं, लेकिन स्थानीय लोग इन्हें वहां से भी भगा देते हैं। विधायक जी, कब तक योगी मोदी के नाम पर वोट मांगते रहोगे? अपने 5 सालों में क्या किया, जरा ये भी बता दो। याद रखिए भाइयों, यहाँ लोग बहरूपिया हैं, तरह तरह के नाटक करते हैं। मैं हमेशा आपके बीच में हूँ, आपके क्षेत्र का हूँ और आप बड़ी बात, मैं कोई व्यापारी नहीं हूँ, मैं जनता का सेवक हूँ और लगातार जनता के लिए काम कर रहा हूँ। सभी लोग जानते हैं मेरे दरवाजे सभी लोगों के लिए हमेशा खुले रहते हैं। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है, आपका बेटा हूँ, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए, मैं आपको निराश नहीं करूँगा। स्थानीय लोगों ने भी के शुक्ला जी की बात से सहमत होते हुए कहा कि ऐसे विधायक का हम क्या करेंगे जिसे वोट देने के बाद 5 सालों तक उसे ढूंढते रहे। यह गलती हम पहले कर चुके हैं, इस बार ऐसी गलती नहीं करेंगे। इस बार हम अपने बसपा प्रत्याशी पंडित के शुक्ला जी को ही वोट देकर इस क्षेत्र के विकास में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करेंगे। आने वाली 10 तारीख को हम हाथी के सामने वाला बटन दबाकर आपको भारी मतों से जिताने का काम करेंगे। इस मौके पर वहां के स्थानीय नरेश जाटव, मुकुटलाल, कर्ण मुकेश, एडवोकेट मदन प्रधान, लक्ष्मी राजेंद्र बाबू सहित सैकड़ों स्थानीय लोग शामिल हुए। बहुत बहुत धन्यवाद भैया जी, जय बात खुदा आप भाई, धन्यवाद अध्यक्ष जी। अब मैं इस कड़ी में गंगा चरण बबलू मंडल कोऑर्डिनेटर, उन्हें बुलाना चाहूंगा। अच्छा चलो कोई बात नहीं, अब मैं बच्चे भैया आएंगे, मैं पप्पू भैया जी को बुलाना चाहूंगा, अभी मना कर रहे थे तो इसीलिए मैंने उनका नाम नहीं लिया। और मैंने सबसे अभी अभी हमें के शुक्ला जी को सुनना है, और भी के शुक्ला, के शुक्ला, बहुजन समाज पार्टी, जिंदाबाद। देखो कुछ लोग हाथ भी उठा रहे हैं, के शुक्ला, हमारे मुकुटलाल करण जी भी कह रहे हमसे भी स्वागत करवा दो, जिसकी इच्छा हो भैया वो भी स्वागत कर लें, और बाकी हमारे पूरन सिंह जी बताएंगे। सलीम से भी के शुक्ला जिंदाबाद, 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 के शुक्ला जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भैया अभी जिन जनों ने स्वागत कर दिया है, मैं उनसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करूंगा कि मंच छोटा है, प्लीज वो अपना अपना स्थान ग्रहण कर ले, ताकि हमारा संचालन सुचारू ढंग से चल सके। अगर मैं सही हूँ तो भैया हाथ जोड़ रहा हूँ मैं आपको। तो मैं अभी इसी कड़ी में महेश प्रजापति जी महानगर अध्यक्ष, उनको बुलाना चाहूंगा कि शुक्ला जी का स्वागत करें और दो शब्द भी कहें, और इनके साथ शरण बबलू जी भी आए, दोनों ही आ जाए, क्योंकि समय भी कम है। और नहीं नहीं अब हमारे विधायक होने वाले, आ जाओ।